Hi, this is Vibhu Agarwal, CEO of Atrangi TV and application. You are watching Bollywood Helpline. Thank you very much. देखिये, जब शुरुआत हमने करी थी तो उस वक्त हमने शायद इसको उस बारीकी से और गहराई से नहीं देखा था। कारण क्या है कि क्योंकि हम डिजिटल से बहुत जुड़े हुए हैं और हमारा 4 साल का एक्सपीरियंस डिजिटल का था, तो शायद टीवी भी हम इसी उस पर लेके चले कि टीवी भी इसी तरीके से शायद वर्क करता हो। बट टीवी बिल्कुल इससे भिन्न है, बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में। टीवी और डिजिटल के देखने का नज़रिया, ऑडियंस का नज़रिया, कंटेंट का नज़रिया बहुत बहुत अलग है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितना डिफरेंस है। तो वो हमने पिछले 1 साल में स्टडी किया है और वो स्टडी करने की वजह से हमको आज ये समझ में आ गया 1 साल में कि टीवी कैसे चलाया जाता है या चलना चाहिए। राइट इस साल हम लोग क्या है कि टीवी को थोड़ा एक डिफरेंट मॉडल पे ला रहे हैं। और टीवी जो है हमारा बेसिकली अभी हम लोग कुछ ऐसे ड्रामा शोज़ ला रहे हैं जो अभी तक किसी टीवी ने लॉन्च नहीं किया। जैसे अतरंगी फिरंगी हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम टर्किश, कोरियन, स्पैनिश, रशियन ड्रामाज़ को हम लाएंगे जो हिंदी में डब्ड होगा। ये अभी तक डिजिटल में है बट टीवी में कोई भी अभी इंसान नहीं ला पाया है। तो वो हमारी प्लानिंग है और वो हम आई थिंक नेक्स्ट मंथ से हम इसको टीवी को ला रहे हैं पूरी तरह। रियलिटी शोज़ हम ला रहे हैं, जैसे किंग है, किस इश्क एंड कनेक्शन है दिव्या अग्रवाल का, सुधांशु पांडे का हम लोग एक ले करा रहे हैं, अनसुनी। तो इस तरह के 3-4 शो हैं। कौटिल्या शो है जो एक जैसे पहले एक शो आता था बच्चों का, वो लेकर आए। तो ये काफ़ी हद तक नॉन फिक्शन शोज़ हैं। देखिए, मैं उनसे मेरी मुलाकात नहीं थी बट हाँ, एक होली पार्टी में मेरी मुलाकात उनसे ज़रूर हुई थी। मैं उनको बिल्कुल वैसे तो नहीं कहूँगा कि नहीं जानता हूँ बट उनसे सिर्फ एक हाय हेलो हुई थी एक होली पार्टी में। बट मुझे सुन के बहुत बुरा लगा जब देखा उनका, बट आई डोंट नो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और आई एम वेरी सॉरी बट आई कांट से एनीथिंग अबाउट हिम। दर्शकों के लिए हम कहेंगे अतरंगी देखते रहो।